हाय दोस्तों, एक साउथ की फिल्म का रिलीज डेट अनाउंसमेंट हुआ जिसका नाम है द इमोर्टल अश्वत्थामा, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य धरजी, जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है। अब मूवी तो बन रही है, अश्वत्थामा तो हीरो किसको लिया जाए, क्योंकि यह एक महाभारत के समय की कहानी है, तो हीरो के लिए रणबीर कपूर को सबसे पहले चुना गया। लेकिन रणबीर कपूर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे ज्यादा खराब रहा है, इसलिए रणबीर कपूर के हाथ से यह फिल्म निकल गई। अब इन्होंने विक्की कौशल के साथ यह फिल्म बनाई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, इसलिए इस पोस्टर में भी आप देख सकते हैं विक्की कौशल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। लेकिन यह एक कोई मामूली फिल्म नहीं है, इसने इस फिल्म में पैन इंडिया फिल्म, कोई बड़ा एक्टर, पैन इंडिया टाइप का एक्टर जिसका क्रेज साउथ में नहीं पूरे इंडिया में होनी चाहिए, ऐसे हीरो को ढूंढने निकल गए हैं हमारे डायरेक्टर जी। फिर जो हमारे फेमस पैन इंडिया एक्टर है उनमें नाम आता है सबसे पहले SJR, प्रभास, लेकिन शाहरुख खान भी बॉलीवुड से उसमें शामिल है। लेकिन इनमें कोई ऐसा फेमस एक्टर जो छूट रहा था जिसका नाम है अल्लू अर्जुन, जिन्होंने पुष्पा में आपने देखा था क्या जबरदस्त का एक्टिंग किया था, इसलिए अल्लू अर्जुन का नाम इन्होंने अनाउंसमेंट किया। लेकिन अल्लू अर्जुन का जो मूवी आई थी एक रुद्रमा देवी, वो काफी ज्यादा लोगों को अच्छी लगी थी, जिसमें उनका गोना गाना रेड्डी का किरदार था, लोगों को काफी अच्छा लगा था। अब देखना यही है कि जो हमारे आदित्य धरजी हैं वो इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को लेते हैं या नहीं लेते हैं, आपका क्या कहना है? अश्वत्थामा फिल्म के एक्टिंग के लिए अल्लू अर्जुन ही परफेक्ट है या नहीं परफेक्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।